नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। भाजपा के चुनावी मिशन 2023 और 2024 का आगाज पीएम नरेंद्र मोदी कल भोपाल से करने वाले हैं और पार्टी के सबसे बड़े कैंपेन मेरा बूथ सबसे मजबूत के साथ भाजपा के चुनावी अभियान का शंखनाद हो जाएगा। भोपाल के नेहरू स्टेडियम में पीएम मोदी के साथ संवाद में 3000 बूथ एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे। ये वो बूथ एक्सपर्ट होंगे जिन्हें देश भर के 10 लाख डिजिटल बूथ में से चुना गया है। पीएम मोदी को सुनने के बाद ये अल्पकालीन विस्तारक सीधे भोपाल से ही इस साल होने वाले 5 राज्यों के रवाना हो जाएंगे और इसके साथ ही पार्टी ने भोपाल में 3 स्पेशल ट्रेनें रिजर्व कर रखी हैं। इन ट्रेन से अगले 7 दिनों तक सभी बूथ के अल्पकालीन विस्तारक मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में रहेंगे और इन राज्यों में मिशन 2023 के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। सबसे बड़े कैंपेन मेरा बूथ सबसे मजबूत का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भोपाल में करेंगे। इस कैंपेन के लिए भाजपा ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। ये वो सभा स्थल है जहां पर देश भर के चुनिंदा 3000 कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। इस सभा स्थल में मौजूद कार्यकर्ता यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के बाद सीधे 3 स्पेशल ट्रेनों से रवाना होंगे। ये उन 5 राज्यों में जाएंगे जिन 5 राज्यों में चुनाव है, यानी मिशन 2023 का आगाज कल से भोपाल में होगा। कैमरामैन मनीष के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोपाल पहुंचे हैं जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान उनकी अगवानी की और साथ ही साथ स्टेट हैंगर पर सीएम शिवराज के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री विश्वास सारंग, भूपेंद्र सिंह, मोहन यादव मौजूद रहे। जेपी नड्डा पीएम मोदी के भोपाल दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए यहां पर पहुंचे और जेपी नड्डा ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए यह भी कहा कि अब देश विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी 543 लोकसभाओं से चयनित करीब 3000 कार्यकर्ताओं से मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को लेकर सीधे संवाद करेंगे। इसका सीधा प्रसारण देश के 10 लाख बूथों पर किया जाएगा। मोदी के नेतृत्व में भारत का गौरव दुनिया में बढ़ रहा है। जेपी नड्डा से कुछ ही देर बाद मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में राजमाता विजयराजे सिंधिया परिसर में मोदी सरकार की 9 साल की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आज राजा भोज की नगरी भोपाल में आने का सौभाग्य मिला है और जिस गर्मजोशी के साथ आपने मेरा स्वागत किया है, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद देता हूं आपको। 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किस तरीके से देश की तस्वीर और तकदीर बदली है, इसको घर घर पहुंचाने का काम आपने किया और इसके साथ साथ जो आशीर्वाद, जो नीतियां प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रतिपादित हुई उसको धरती पर उतारने का काम शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने किया है, उसको भी आपने बखूबी जमीन पर उतारने का प्रयास किया। मित्रों, इसी निमित्त एक नया और अनूठा कार्यक्रम कल होना तय हुआ है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री कल भोपाल की धरती पर आ रहे हैं, राजा भोज की नगरी में आ रहे हैं। ये हम सबका सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजा भोज की नगरी भोपाल को चुना है और यहां से वो संगठन के लिए भी संदेश देंगे तो यहां से पूरे देश के कार्यकर्ताओं को संदेश देने वाले। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कल पीएम मोदी भोपाल आ रहे हैं और हम सौभाग्यशाली हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी युद्ध का शंखनाद करने आए हैं, संघर्ष का बिगुल बजाने के लिए यहां पर पहुंचे, हर घर जाएंगे, अलख जलाएंगे। साथ ही साथ सीएम ने यह भी कहा कि हमें 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतनी है, विजय का संकल्प लेने का दिन है। हम सबके सौभाग्य से हमारे बीच आज पधारे हुए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी ने एक नहीं अनेकों नए इतिहास रचे हैं, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी युद्ध का शंख फूंकने आए हैं और संघर्ष का बिगुल बजाने आए हैं। बोलो, सब तैयार हो चुनाव के लिए?
सब तैयार हैं, भारतीय जनता पार्टी को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, घर घर जाएंगे, अलग जगाएंगे, लाडली बहनाई भी जाएंगी, अरे जोर से बोलो जाएंगी। और उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला, कहा कि कांग्रेस के लोग पढ़ते लिखते नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं और इन्हें अनपढ़ कहना ठीक नहीं है। महंगाई महंगाई की रट लगाए हुए हैं, पिछले 9 सालों में महंगाई दर कम हुई है, दुनिया को भारत से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। मित्रों, मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी के लोग जो पढ़े लिखे कम है, पढ़ते लिखते भी कम है, इनको पढ़ाई लिखाई से लेना देना नहीं है, मैं अनपढ़ कहूं तो अच्छा नहीं है। ये हर जगह महंगाई 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 की बात करते, इनको मालूम नहीं है कि मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट ये बताती है कि सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था भारत की रह गई है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अमरीका का विकास दर 5.9 पर खड़ा है, भारत 8.10% के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। अमरीका का इन्फ्लेशन खाद्य सामग्री का 4.4 पर खड़ा है और भारत 2.75 पर खड़ा है, यह हमारी स्थिति है। और पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और ऐसे में भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को फूलों से सजाया गया है। कल रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे पीएम मोदी, 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और पीएम के आगमन को लेकर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है और कल का दिन ऐतिहासिक होने वाला है, जब 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 5 वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ करेंगे, जिसमें भोपाल रानी कमलापति इंदौर, भोपाल रानी कमलापति जबलपुर, रांची, पटना, धारवाड़, बेंगलुरु, गोवा और मडगांव, मुंबई के लिए जो 5 वंदे भारत एक्सप्रेस है उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर यहां पर शुभारंभ करेंगे। और आप देखेंगे कि जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है, चप्पे चप्पे पर जो पुलिस का पहरा है वो आपको यहां पर नजर आ रहा है, जगह जगह पर जो पुलिसकर्मी है वो तैनात कर दिए गए हैं। हालांकि यहां पर बड़ी संख्या में जो सुरक्षा का पुलिसकर्मी है वो तैनात है और कड़ी सुरक्षा के बीच पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और करीब 5 से 6 लेयर के बीच में जो सुरक्षा व्यवस्था है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर आपको नजर आ रही होगी। और अंदर की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाएंगे कि यहां पर बड़ी संख्या में चारों तरफ आपको पुलिसकर्मी तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो फूलों से सजावट है वो इस पूरे स्टेशन पर आपको नजर आ रही होगी। जगह जगह पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस तरह के जो पोस्टर्स हैं और एक जो बड़ा पोस्टर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो जो आपको सामने नजर आ रहे, जैसे ही रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की तरफ आप प्रवेश करेंगे चारों तरफ इसी तरह से पीएम नरेंद्र मोदी के जो बड़े पोस्टर्स हैं रेलवे स्टेशन पर आपको नजर आएंगे और फूलों से जो सजावट है वो यहां पर नजर आ रही है कि पूरे रेलवे स्टेशन को इस तरह से फूलों से तैयार किया जा रहा है और हर तरफ जो पोस्टर्स हैं शुभारंभ को लेकर वो यहां नजर आ रहे हैं। और जब यहां से प्रवेश किया जाएगा तो ये और जो एक्सप्रेस है वो यहां खड़ी हुई है, जिसको खुद पीएम नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और पूरा जो रेलवे स्टेशन है वो रेड कार्पेट के साथ तैयार हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे, उनका भव्य स्वागत होगा और इसी के साथ ही 5 जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उनको खुद पीएम नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। कैमरामैन मोहित सिंह के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। और पीएम के दौरे को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आई है, शहडोल दौरा उनका स्थगित किया गया है, लालपुर और पकरिया का दौरा उनका स्थगित माना जा रहा है, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद इस बारे में जानकारी दे चुके हैं। ये बताया गया उनकी तरफ से कि खराब मौसम के चलते दौरा स्थगित करना पड़ा है। कल शहडोल में भारी बारिश की आशंका है, आपको ये बताया कि सीएम ने अपने बयान में कहा है कि लोगों को बारिश की वजह से परेशान ना होना पड़े, दिक्कत ना हो, इसी को देखते हुए पीएम का दौरा स्थगित करने का फैसला लिया गया। 27 जून को भारी वर्षा की संभावनाओं के कारण माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का लालपुर और पकरिया का कार्यक्रम स्थगित किया जा रहा है।
कल हजारों हजार की तादाद में जनता का समुद्र लालपुर उमड़ने वाला था, लेकिन भारी बारिश के पूर्वानुमान के कारण जनता को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, ये माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। और इसलिए अगर भारी बारिश हुई तो आने जाने वाली जनता को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए दौरा स्थगित किया जा रहा है। दौरा कैंसिल नहीं हुआ, जल्दी ही नई तिथि मौसम की स्थिति देखते हुए प्रधानमंत्री जी के लालपुर और पकरिया दोनों जगह आगमन की तय की जा रही है। प्रधानमंत्री जी बहुत संवेदनशील है और इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया है। मैं जनता को यह अपील करता हूं कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी जल्दी हमारे बीच आने वाले हैं, हमारा टेंट पंडाल और सारी व्यवस्थाएं वहां यथावत खड़ी रहेगी, क्योंकि अतिशीघ्र माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और जल्दी हम आपको तिथि बताएंगे। लेकिन भोपाल का माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा यथावत है। चलिए पीएम के दौरे को लेकर और विस्तार से हम जानकारी ले लेते हैं। हमारे दोस्त सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं, अनुराग श्रीवास्तव शहडोल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पहले शहडोल का ही हम रुख कर लेते हैं। अनुराग, सीएम को भी हम सुन रहे थे, साफ तौर पर उन्होंने ये कह दिया है कि निराश होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पोस्टपोन हुआ है दौरा, कैंसिल नहीं हुआ है। अनुराग, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल जी। खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शहडोल दौरा जरूर निरस्त हो गया, लेकिन इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए शहडोल का मौसम की बात मैं करूं तो यहां पर लगातार बारिश होने के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जो है स्थगित किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए हजारों लाखों लोग बेताब थे, लेकिन खराब मौसम के कारण जिस तरीके से पीएम मोदी का कार्यक्रम निरस्त हुआ है उसके बाद थोड़ी सी मायूसी लोगों के अंदर जरूर आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद बयान जारी कर ये कहा है कि फिलहाल दौरे को स्थगित किया गया है, कार्यक्रम आगामी तारीखों में फिर तय किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल एक बार फिर पहुंचेंगे। लेकिन मैं शहडोल के खराब मौसम को आपकी तस्वीरें दिखाऊं तो यहां पर आप देखिए मेरे पीछे ठीक घने बादल यहां पर अभी भी छाए हुए हैं, रिमझिम बौछार यहां पर हो रही है। और सिर्फ अभी का ये हाल नहीं है, सुबह से हम यहां पर देख रहे हैं कि इसी तरीके का हाल है। थोड़ी देर के लिए बारिश रुकती जरूर है लेकिन उसके बाद झमाझम बारिश का दौर शुरू हो जाता है और उसके बाद जो है उसी के चलते खराब मौसम के कारण ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम टाला गया है, ताकि लोगों को, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहां पर जुटने वाले थे, दो जगह शहडोल के दो जगह पर कार्यक्रम आयोजित होना था जिसमें पीएम मोदी अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होते और उनको सुनने के लिए लाखों की संख्या में शहडोल और उसके आसपास से लोग शहडोल में जुटने वाले थे। लेकिन जिस तरीके से बारिश लगातार हो रही है उसके बाद ये कार्यक्रम टाला गया है, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम फिर से शहडोल में बनेगा और वो यहां पर लोगों से एक बार फिर रूबरू होंगे। चलिए, यानी कि थोड़ा सा इंतजार और शहडोल वासियों को करने की जरूरत है। आप बने रहेगा अनुराग हमारे साथ, शैलेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, शहडोल भले ही ना पहुंचे पीएम लेकिन भोपाल जरूर पहुंच रहे हैं और उनके दौरे को लेकर कितनी व्यवस्थाएं चल रही है हम लगातार देख रहे हैं, सुबह से दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, अंतिम रूप दिया जा रहा है तैयारियों को। शैलेंद्र बिल्कुल अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिस कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे उस कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने के लिए खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो पहुंच चुके हैं, वहां एक एक व्यवस्था का वो जायजा लेंगे। इसके अलावा जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं, देश भर से लगभग 3000 ऐसे कार्यकर्ता हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए, उन सबसे भी वो वार्तालाप करेंगे और मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को लेकर एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, उसका शुभारंभ भी जो है जेपी नड्डा के द्वारा किया जाएगा।
तो कल अगर देखें तो कल खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंचे थे, आज सुबह प्रदेश अध्यक्ष कार्यक्रम स्थल पहुंचे और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दौरा कितना महत्वपूर्ण है। हालांकि जिस तरीके से शहडोल का दौरा जो है वो निरस्त हुआ है, लेकिन उसके साथ अगर देखें तो राजधानी भोपाल में जो रोड शो होने वाला था उसे भी इन्हीं कारणों के चलते रद्द किया जाएगा, क्योंकि बाकी कार्यक्रम जो है वो यथावत तौर पर जारी रहेंगे। प्रातः 9:50 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेट हैंगर पहुंचेंगे और जहां से वह हेलीकॉप्टर के माध्यम से बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे और वहां से रानी कमलापति स्टेशन पहुंचकर मध्य प्रदेश के लिए 2 और देश भर के लिए 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और उसके बाद वह जो तय कार्यक्रम है उसके अनुसार बाय रोड कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे और जहां पर वह जो बूथ विस्तारक योजना के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करेंगे। और यहां भले ही सांकेतिक तौर पर 3,000 कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हों, लेकिन अगर पूरे देश की बात करूं तो 10 लाख बूथों पर 15,000 मंडलों पर यह कार्यक्रम लाइव सुना जाएगा और न केवल सुना जाएगा बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियासी लिहाज से राजनीतिक कार्यक्रम है। ये कितना महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए हो सकता है? देखिए बेहद महत्वपूर्ण है, न केवल मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए बल्कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल मध्य प्रदेश के बूथ के जो कार्यकर्ता हैं उनसे संवाद करने वाले हैं बल्कि देश भर के जो कार्यकर्ता हैं उनसे संवाद करने वाले हैं। और जिस तरीके से गुजरात अगर फॉर्मूले की बात करूं, 51% वोट शेयर का जो लक्ष्य निश्चित एक बड़ा प्रभाव प्रधानमंत्री का दौरा डालने वाला है मध्य प्रदेश की धरती पर भी, कार्यकर्ताओं पर भी। ये सहयोगी हमारे शैलेंद्र बताने की कोशिश कर रहे थे, माफ कीजिएगा आपको रोक रहे हो शैलेंद्र, यहाँ पर समय की कमी है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। फिलहाल अनुराग आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, खबरें लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18।